दोस्तों, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और आप जो है कहीं शहर से दूर रहते हैं और आपके पास पशु गाय भैंस बकरी जो भी जानवर हैं और वो अगर आपके बीमार हो जाते हैं तो आप पहले आपको शहर में इलाज कराने के लिए जाना होता था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अब जो है आपको आपके गाँव आपके घर पर ही इलाज की व्यवस्था पशुओं के लिए कर दी है। अब आपको गांव पर ही पशु के इलाज के लिए जो है एम्बुलेंस मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भेजी जाती है, उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस हेल्पलाइन नंबर के बारे में, उस एम्बुलेंस के बारे में कि किस तरह से आप अपने बीमार पशु बीमार मवेशी के लिए एम्बुलेंस एक कॉल पर अपने घर बैठे ही बुला सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल कुशवाहा और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक लाइव के। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो होता क्या था कि पहले अगर आपका पशु मवेशी बीमार हो जाता था तो आपको अपने गांव से शहर जाना होता था, जहां पर आपकी पशु अस्पताल होती थी वहां पर जाकर आपको अपने मवेशी का पशु का इलाज कराना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, ऐसे में होता क्या था कि कई बार आप मवेशी की पशु की हालत ऐसी होती थी कि उसे अस्पताल तक ले जाना संभव नहीं हो पाता था या फिर उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती थी, जिसकी बदौलत पशु को जो है सही उपचार ना मिल पाने के कारण उसको काफ़ी नुकसान हो जाता था। तो ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक एम्बुलेंस चलाई जा रही है जो कि पशुओं के इलाज के लिए ही स्पेशल है, मतलब वो केवल पशुओं का ही इलाज करती है। तो उसको आप घर पे कैसे बुलाना है जिससे कि आपके पशु का इलाज हो सके, तो उसके लिए दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने जो है एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जिस पर आपको कॉल करना है, और जैसे ही आप कॉल करेंगे वैसे ही आपके जो है एम्बुलेंस आपके घर के लिए रवाना कर दी जाएगी और आपके पशु का इलाज कर दिया जाएगा। तो हेल्पलाइन नंबर क्या है दोस्तों, आपको अपने मोबाइल से कॉल करना है 1962 यानी कि 1962। इसके बाद आप जो अपनी डिटेल वहां पर कॉल सेंटर में दे देंगे, वैसे ही आपकी जानकारी लेकर आपकी लोकेशन पर उस एम्बुलेंस को भेज दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में टोटल 406 यानी कि 406 एम्बुलेंस भेजी गई हैं जो सभी जिलों में इलाज का कार्य करेंगी पशुओं के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो का आपकी नॉलेजफुल रही होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट क्वेश्चन सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।